हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो हमने अमेज़ॉन से ये मेरी गाड़ी के लिए क्लीनिंग के लिए एक प्रोडक्ट मंगाया है और इसको आपके साथ हम अनबॉक्स करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस और क्वालिटी कैसी है। तो मैं अभी यहाँ से इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। यार मुझे इस प्रोडक्ट की है ना काफ़ी टाइम से नीड थी। जनरली क्या होता था कि जैसे मैं अपनी गाड़ी वॉश कराने जाता था तो कहीं पर तो वैक्यूम क्लीनर वो करते थे और कहीं पर नहीं होते। मतलब मोस्टली वो लोग जस्ट दे ताल देते थे यार। और मुझे अपनी गाड़ी के लिए, भाई मैं अपनी गाड़ी को बड़ा साफ़ सुथरा रखना पसंद करता हूँ और इसी कारण मैंने ये अमेज़ॉन से एक प्यारा सा वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया है। और इसके खोलने के बाद हम देखेंगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब इसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस और जो हमारा पैकेजिंग है उसमें क्या क्या हमें। तो सबसे और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, नहीं खाली है और कुछ भी नहीं है। ये हमारी शायद बिलिंग है। तो हमने ये जो वैक्यूम क्लीनर मंगाया है ये गो मैकेनिक का वैक्यूम क्लीनर है। 1351 रुपये का मुझे ये पड़ा है, जिसमें कि इन्होंने 120 रुपये शिपिंग चार्जेस ली है। मतलब टोटल इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 1231 और 120 रुपये शिपिंग चार्ज। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है और 120 मेरे को इसलिए चार्ज हुआ है क्योंकि मैंने इसकी फास्ट डिलीवरी करी थी। मतलब कि ये मुझे जल्दी मिल जाए इसलिए मैंने ये 120 एक्स्ट्रा पे किए, वरना इसकी एग्जैक्ट प्राइस 1231 रुपये है। तो इसको हम रखते हैं साइड। तो जैसे ही हमने बॉक्स खोला तो हमें बबल रैप के अंदर हमारा लिपटा हुआ ये गो मैकेनिक का, एक सेकेंड, ठीक है, ये बबल रैप में लिपटा हुआ आया है। यार बहुत ही कम बबल रैप लपेटी है इस हिसाब से, तो सेफ्टी की बात थी तो थोड़ा और ही बबल रैप लगा देते तो क्या जाता यार। तो बॉक्स के ऊपर गो मैकेनिक की ब्रांडिंग है और इस वैक्यूम क्लीनर का जो मॉडल है वो वैक्यूम क्लीनर न्यूट्रॉन 6000 वैक्यूम क्लीनर है ये। और जस्ट अनबॉक्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ तो एक ये हमें इसका होस पाइप प्लस इसका कैरी बैग गो मैकेनिक की ब्रांडिंग के साथ। जस्ट लुक इट दिस बैग, भाई क्वालिटी तो इसकी बहुत बढ़िया है। बैग की क्वालिटी जैसे कि देखा जाए बहुत ही बढ़िया और मतलब अच्छी मटेरियल की है, अच्छा फाइन क्वालिटी की है। तो इसे तो हम रखते हैं साइड और हमारा जो मेन चीज़ है उसे हम निकालते हैं इसके अंदर से। तो इसके अंदर एक और ये नोज़ल है इसकी, देखिए इसकी नोज़ल है। ये होस पाइप है एक और ये एक नोज़ल है। इसके साथ शायद और कुछ भी होगा। हाँ एक और हमारे पास है ये ब्रश वाला जो वैक्यूम क्लीनर का नोज़ल है, ये ब्रश वाला नोज़ल है। इस पर हम अपने कारपेट वारपेट को क्लीन कर सकते हैं इससे। और इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये है हमारा गो मैकेनिक का
न्यूट्रॉन 6000 वैक्यूम क्लीनर। तो इसको हम खोलते हैं, यहाँ से जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये जो हमारा कंपार्टमेंट है, मैं दिखाता हूँ आपको एक यहाँ से, इसकी जो पावर सोर्स है वो सिगरेट लाइटर है, और आप इसे अपनी कार के अंदर जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं, और इससे इसको पावर मिलती है और इसी से ही आप अपनी इसको चला सकते हो। हालांकि अभी तो मैं इसको टेस्ट करके नहीं दिखा पाऊँगा, पर जब हम सुबह मॉर्निंग में गाड़ी के पास जाएंगे तो हम इसकी टेस्टिंग करके और फिर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस और क्लीनिंग कैसे करता है ये उसके बारे में बताऊंगा। तो इसको मैं ऐसे तो इसे मैं खोल के दिखाता हूँ, ये ऐसे अलग हो जाता है, ये ऐसे अलग हो जाता है। इसके अंदर जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो इसके अंदर एक फिल्टर है, ये इसका हैपा फिल्टर है। जनरली ये फिल्टर हमें अपनी बाइक के फिल्टर, मतलब ये कुछ तरीके के बाइक के फिल्टर की तरह ही, एक गाड़ी के जैसे बाइक में एक फिल्टर होता है, गाड़ी में फिल्टर होता है, ये उसी तरीके का है। इसको आप, ये रीयूजेबल है, इसको आप चाहे तो मतलब यूज़ करने के बाद क्लीन भी कर सकते हैं, ये रीयूजेबल है। तो इसको हम दोबारा इसके अंदर लगा देते हैं और अब इसकी टेस्टिंग के लिए हमें अपनी गाड़ी के पास जाना पड़ेगा और वहाँ चल के इसकी टेस्टिंग करते हैं और क्लीनिंग करके देखेंगे कि भाई इसका कैसी परफॉर्मेंस है।